अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधु ने इस अवार्ड को प्रधानमंत्री की ओर से स्वीकारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को दी गई पहली कोरोना वैक्सीन, टीवी पर लाइव प्रसारण। अमेरिकी राष्ट्रपति 78 वर्षीय जो बिडेन को टॉरेंट्स में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है, इसका सीधा प्रसारण भी किया। देश के कई हिस्सों में मौसम खराब, रेलवे ने रद्द की ट्रेनें। खराब मौसम के कारण रेलवे की ओर से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है। देश में बढ़ी तेंदुओं की आबादी, पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शेर और बाघों के बाद अब तेंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन लोगों को धन्यवाद किया है जो पशु संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। हवाई के बिग आइलैंड पर फूटा है ज्वालामुखी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की एक सलाह के अनुसार हवाई के बिग आइलैंड पर किला हुआ ज्वालामुखी रविवार रात को फट गया। इसके बाद ज्वालामुखी के दक्षिणी हिस्से में भूकंप आया। आज से राज्य में 15 दिन का कर्फ्यू, मुख्यमंत्री का फैसला। आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है और ये कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा। हमें नौकरी आरक्षण दो, कोविड योद्धाओं की मांग। कोरोना समय के दौरान प्रकोप बढ़ जाता है, नतीजन ठेका श्रमिकों को रखा जा रहा है। हम कोविड योद्धाओं को आरक्षण दो, ऐसी मांग कोविड योद्धा कर रहे हैं। वाशी खाड़ी पुल पर होने वाली आत्महत्या को रोकने के लिए बिठाई जा रही है सुरक्षा जाली। वाशी खाड़ी पुल ये आत्महत्या करने के लिए लोगों का पसंदीदा स्पॉट माना जाता है, मगर अब इस उड्डान पुल पर होने वाली आत्महत्या को रोकने के लिए अब सुरक्षा जाली बिठाने का निर्णय लिया गया है, जिस कारण अब आत्महत्या की घटना पर कुछ हद तक कमी आएगी, ऐसा माना जा रहा है। पोस्ट बैंक से अब होगा डिजिटल पेमेंट। गूगल पे एवं फोन पे के बाद अब डाक विभाग द्वारा डाक पे शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक देश भर कहीं भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अगले स्तर की बैटरी तकनीक के साथ एप्पल ने 2024 में सेल्फ ड्राइविंग कार की योजना बनाई है। यह एप्पल के प्रोजेक्ट टाइटन के लिए एक कठिन सवारी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि एक यात्री वाहन बहुत दूर नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।